एंड वेलकम एवरीवन इन द क्लासरूम ऑफ पुणे स्टडी सर्कल। बच्चों, ये जो लेक्चर है ये हमारे बीच में होने वाला पहला इंट्रैक्शन है। आप लोगों ने शायद ही कभी अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी के बारे में अप टू 10th स्टैंडर्ड स्टडी किया हो, इसीलिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि आप लोगों को इन अफोर्डेबल क्वांटम वैलिड नॉलेज दी जाए ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। बेटे, इसीलिए जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ना अकाउंटेंसी का, जिसको हम बोलते हैं मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, इसको हमने टू स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। हर रोज आपको एक छोटा हिस्सा सिखाया जाएगा। जो पहला पार्ट है इट इज अबाउट मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ अकाउंटिंग। जो सेकेंड पार्ट हमारा रहेगा दैट इज अबाउट ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, विच इज गोइंग टू बी एयर टुमोरो। बेटे, आज हम स्टडी करेंगे मीनिंग। देखो, अकाउंटिंग जो है ना उसको हम दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। एक तो उस कार्य के तौर पर जो कार्य किसी अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है, एक उस प्रक्रिया के माध्यम से जो प्रक्रिया उस अकाउंटेंट के द्वारा अपनाई जाती है जब वो अपने अकाउंटिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग को उस एक्ट के तौर पर डिफाइन करने का प्रयास करते हैं जो एक्ट एक मैनेजर, एक फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा या एक अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज एन एक्ट विच इज परफॉर्म्ड बाय अकाउंटेंट रिलेटेड टू मेंटेनिंग ए सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन परफॉर्म्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सो दैट एट द एंड ऑफ ईयर he may determine the result of such transactions and impact of such results on the financial position of business and also how he is going to share that information with all those interested parties which are having stake in the carrying on of the business entity। it means किसी भी लेखाकार के द्वारा किया जाने वाला वह कार्य है जिसके अंदर वो जो भी आर्थिक लेन देन है उनका कंप्लीट पूर्ण और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तैयार करता है ताकि वर्ष के अंत में उन सभी क्रियाकलापों का निष्कर्ष वो प्राप्त कर सके और उस निष्कर्ष के फलस्वरूप हमारी आर्थिक स्थिति के अंदर, हमारी एसेट्स लायबिलिटी पोजीशन के अंदर जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन की गणना भी की जा सके और इस परिवर्तन को उन शब्दों में, उस माध्यम से जो माध्यम सभी लोगों को समझ में आता है, दैट मीन्स अकाउंट को तो केवल अकाउंटेंट ही समझ सकता है, लेकिन उस अकाउंट के रिजल्ट को, उस बिजनेस ऑपरेशन के रिजल्ट को हमें इस प्रकार से प्रेजेंट करना पड़ता है उन सभी व्यक्तियों को जिस भाषा में वो समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग की प्रोसेस को अगर हम स्टेप बाय स्टेप उन एक्टिविटीज को स्टडी करें या डिफाइन करें, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, रिपोर्टिंग सच बिजनेस ट्रांजेक्शन टू द रिलेटेड इंटरेस्टेड पार्टीज। देखो बेटे, क्या है यहां पर अकाउंटिंग से अभिप्राय उस कला से है जिसमें सबसे पहले आर्थिक लेनदेन को रिकॉर्ड किया जाता है बही के अंदर। जो खाता बही हमारी होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी लेनदेन हमने ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ डे किया उसको रिकॉर्ड कर लिया, फिर हम क्या करते हैं पीरियडिकली या तो हफ्ते में या महीने में उन सभी ट्रांजैक्शंस के रिजल्ट को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं ताकि हमें ये रहे कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, हमें कौन से व्यक्तियों से कितना पैसा लेना है और कौन से व्यक्तियों को कितना पैसा देना है, ताकि जब वो हमारे पास आए तो इमीडिएटली हम बता सकें दैट व्हाट अमाउंट वी ओए टू यू एंड व्हाट अमाउंट यू ओए टू अस, ताकि हम अपने संसाधनों पर नियंत्रण कर सकें, उन गलतियों के दोहराव को रोक सकें जो गलतियां हम पहले पीरियड में कमिट कर चुके हैं या जिनको हम पहले पीरियड में कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड, चाहे वो हफ्ता है चाहे वो महीना है, उन ट्रांजेक्शन के रिजल्ट को सर्टेन करते हैं, फिर एट द एंड ऑफ ईयर हम क्या करते हैं अंतिम खाते तैयार करते हैं। अंतिम खातों का उद्देश्य लाभ हानि की गणना करना और उस लाभ हानि के फलस्वरूप हमारी आर्थिक स्थिति के अंदर जो परिवर्तन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1,00,000 रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, उस 1,00,000 रुपए में से 20,000 रुपए मेरे पास बचे हुए, 80,000 रुपए का मैंने कच्चा माल खरीदा, उसको तैयार माल में परिवर्तित किया, कर्मचारियों का वेतन और उनकी मजदूरी दी और उस 80,000 रुपए के सामान को मैंने 2,00,000 रुपए में बेच दिया, तो आज मेरी फाइनेंशियल पोजीशन हो गई 2,00,000 + 20,000, 2,20,000, जबकि मैंने स्टार्ट किया था 1,00,000 रुपए से, तो फाइनेंशियल पोजीशन में 1,20,000 से पॉजिटिव चेंज हुआ है। तो रिजल्ट का जो इंपैक्ट आया है फाइनेंशियल पोजीशन पे उसको डिटरमाइन करने के लिए और इस रिजल्ट को
हम उन सभी पक्षों के साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं जिन पक्षों ने हमारी सहायता की है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस परिणाम को प्राप्त करने में, चाहे वो हमारे मालिक है जिन्होंने संस्था स्थापित किया, चाहे वो कर्मचारी है जो हमारी संस्था में काम करते हैं, चाहे वो सरकार है जो हमें अच्छे संसाधन उपलब्ध करवाती है, मार्केट फैसिलिटीज उपलब्ध करवाती है, ऐसे लोगों से हमें प्रोटेक्ट करती है जो हमारे बिजनेस को हार्म कर सकते हैं, चाहे वो सोसाइटी है जो हमें लेबर्स कच्चा माल प्रोवाइड करती है, या वो मीडिया है जो हमारे लिए पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट करती है, उन सभी पक्षों के साथ हमें ये इन्फॉर्मेशन साझा करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन, मतलब वो परिभाषाएं जो लेखांकन विद्वानों ने दी है या जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं उन्होंने दी है अकाउंटिंग को कैसे डिफाइन किया है। हियर वी आर हैविंग टू डेफिनेशंस। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जनरली इसी परिभाषा को साइट किया जाता है ज्यादातर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर। देन वी आर हैविंग डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एन अकाउंटिंग एक्सपर्ट नोन एज आर एन एंथोनी। बिटिस ये जो दोनों की दोनों परिभाषाएं है ना, ये उन इंस्टीट्यूशंस या उन अकाउंटेंट के द्वारा दी गई है जो क्लासिकल थिंकिंग से बिलोंग करते हैं, मतलब इन्होंने अकाउंटिंग को केवल आर्ट माना, एक पर्सनल एबिलिटी माना, जबकि जो मॉडर्न अकाउंटेंट्स हैं वो इसको आर्ट के साथ साथ विज्ञान भी मानते हैं, कला और विज्ञान अकाउंटिंग दोनों होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इन्होंने क्या कहा बेटे, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर्स एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। इन्होंने कहा कि जो लेखांकन है वो एक कला है जिसके अंदर हम जो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनको क्लासीफाई करते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम समराइज करते हैं, ठीक है। और कैसे समराइज किया जाता है, सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब खातों के माध्यम से पैसे की भाषा में उन ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को। ट्रांजेक्शन का मतलब आर्थिक लेन देन और इवेंट का मतलब उन आर्थिक लेन देनों का जो परिणाम है उसको। कौन से ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करते हैं, विच आर इन पार्ट एट लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, वो ट्रांजेक्शन जो कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के हैं या पूर्ण रूप से वित्तीय प्रकृति के हैं। जैसे अगर दो कर्मचारियों में झगड़ा हो गया, डेफिनेटली इससे हमारी संस्था की जो इमेज है वो खराब होगी, लेकिन एग्जैक्टली हम ये नहीं बता सकते कि इससे हमारी संस्था को कितने रुपए का नुकसान होगा। बट इफ वी हैव सोल्ड द गुड्स ऑफ 8,000 एट 6,000 रुपीज, 8,000 के सामान को आपने 6,000 रुपए में बेच दिया, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है दैट वी हैव सफर्ड ए लॉस ऑफ रुपीज 2,000। सो हमें केवल उन्हीं लेन देनों को दर्ज करना है अकाउंटिंग में जिनको हम इन टर्म्स ऑफ मनी और जिनका फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है। देन इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देरो, वो जो हमने आर्थिक लेन देन किए हैं किसी विशेष वर्ष अवधि के दौरान उन आर्थिक लेन देनों का परिणाम ज्ञात करना इज कॉल्ड अकाउंटिंग। सेकेंड डेफिनेशन दी गई है हमारे आर एन एंटनी जी के द्वारा। ही सेड एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज सम काइंड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, हर एक संस्था के पास अपना एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है विच इज मींस ऑफ क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन टर्म्स ऑफ मनी इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। उन्होंने क्या कहा, हर एक संस्था के पास अपना एक लेखांकन माध्यम होता है, एक प्रक्रिया, एक प्रणाली होती है जो एक माध्यम है जिसके माध्यम से संस्था अपनी इन्फॉर्मेशन को क्लासिफाई करती है, फिर उसको फाइनल अकाउंट में समराइज करती है, फिर उसका निष्कर्ष निकालती है और इस निष्कर्ष को सभी संबंधित पक्षों तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जो मॉडर्न अकाउंटेंट है ना, जैसे स्मिथ एंड एशबर्न है, उन्होंने क्या कहा, भाई आज जो अकाउंटिंग है वो ना केवल एक कला है बल्कि एक विज्ञान भी है। देखो बेटे, कला का मतलब क्या होता है, पर्सनल एबिलिटी टू परफॉर्म ए टास्क इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। किसी व्यक्ति का जो क्षमता होती है कि वो किसी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है, कोई सिंगर है, कोई पेंटर है, या कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो कला केवल उसी के पास होती है, वो जैसा कार्य कर सकता है वैसा दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। हो सकता है कोई उससे भी अच्छा कोई आर्टिस्ट है, वो उससे अच्छा थिंग कर सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति का जो कला होता है वो क्वाइट पर्सनल होता है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसको फी पे करते हैं, इसलिए पे करते हैं क्योंकि आपको उसकी स्किल में कंसर्न है, आपको स्टाइल से लगा है जिस लाइफ में वो आपको ऑपरेट करता है, आपका ऑपरेशन करता है या आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। तो ये क्या मानते थे कि पहले जो क्लासिकल थिंकर थे वो मानते थे कि केवल कला ही है, लेकिन अब जो थिंकर्स हैं वो मानते हैं नहीं, कला तो है ही कि हम कैसे समराइज करेंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसके साथ साथ ये एक साइंस भी है। साइंस का मतलब क्या होता है, ए वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, पूर्ण रूप से व्यवस्थित
एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक ज्ञान का भंडार है, जिसके पास अपने सिद्धांत हैं, अपनी अवधारणाएं हैं, और जिन सिद्धांतों एवं अवधारणाओं का पालन उन सभी अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है जो अपनी संस्था में अकाउंट्स तैयार करते हैं, चाहे वो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है या वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिनको अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडीज हमारे प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अभी मॉडर्न टाइम्स में अकाउंटिंग आर्ट भी है, व्यक्तिगत कौशल भी है। कौशल कब स्टार्ट होता है? देखो, हमने पांच चीजें रिकॉर्ड की हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग, एंड फाइनली रिपोर्टिंग। देखो, यहां एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन है, यहां रिपोर्टिंग है, पांच कार्य करने पड़ते हैं। जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, उनको समराइज करते हैं फाइनल अकाउंट्स में, वहां हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए वो साइंस है। लेकिन जब हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं, तो हर एक मैनेजर उसका निष्कर्ष अपने अनुभव के आधार पर निकालता है। तो उस पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं? उस पार्ट को हम डेफिनेटली आर्ट बोल सकते हैं, वो प्रबंधक की योग्यता पर ही निर्भर करता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड अकाउंट्स। लेट्स स्टार्ट विद अकाउंटेंसी फर्स्ट। अकाउंटेंसी कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज having its own principal concept and procedures which are to be followed by accountant while maintaining account for a business or non-business entity। बेटे, अकाउंटेंसी एक सुव्यवस्थित ज्ञान भंडार है जिसका विकास जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं उनके एक्सपीरियंस से, उनके एक्सपेरिमेंट से हुआ है कि किस प्रकार हम साइंटिफिक तरीके से अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस ज्ञान भंडार के अंदर इसके स्वयं के सिद्धांत होते हैं, स्वयं के हमारे प्रोसीजर या प्रक्रियाएं होती हैं, जिनका पालन अकाउंटेंट के द्वारा कब किया जाता है? जब वो किसी संस्था की खाते तैयार कर रहे होते हैं, जब संस्था के बिजनेस ट्रांजेक्शन या नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन के निष्कर्ष को निकालते हैं, और तब इस इन्फॉर्मेशन को उन व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है जो व्यक्ति किसी संस्था के अंदर हित रखते हैं। तो अकाउंटेंसी हमारी एक बुक होती है, बोर्ड ऑफ नॉलेज होती है, जिसके अंदर वो रिकमेंडेशन है जिनका पालन एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल को करना पड़ता है। फिर बात करते हैं अकाउंटिंग। बेटे, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। जब कोई अकाउंटेंट अपना कार्य करता है ना, तो वो किस प्रकार से करता है? सबसे पहले ट्रांजेक्शन को वो रिकॉर्ड करेगा, फिर वो पीरियोडिकली उन रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस के रिजल्ट को कैलकुलेट करेगा। भाई, अगर मैं एक साल बाद जाके रिजल्ट को कैलकुलेट करूं, तो मैं अपने इन एफिशिएंसीज को कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा, उन मिस्टेक्स को कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा जो हर रोज मेरे कर्मचारी कर रहे हैं। मैं किसी ट्रांजेक्शन को भूल ना जाऊं, मेरी कोई संपत्ति मिसप्लेस ना हो जाए, मैं किसी व्यक्ति से पैसे लेकर अगर भूल गया तो मेरी संस्था की ख्याति खराब हो जाएगी, या किसी को उधार सामान देकर मैं भूल गया तो मेरी वित्तीय स्थिति को नुकसान होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पीरियोडिकली एक हफ्ते में या महीने में सभी जो भी लेन देन किए हैं, सभी लेन देन को उनकी प्रकृति के आधार पर अलग अलग खातों में विभाजित कर लेते हैं। राम से रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजेक्शन हमने एक पेज पे लिख लिए, शाम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन अलग पेज पे लिख लिए, फर्नीचर के सारे ट्रांजेक्शन एक पेज पे लिख लिए, मशीन के एक पेज पे, ऐसे ही जितने भी नेचर के ट्रांजेक्शन है ना, सबके लिए हमने अलग से एक पेज मेंटेन कर लिया, जिसमें हमें यह पता रहेगा किस व्यक्ति को कितना सामान बेचा, उससे कितना पैसा मिला, किस व्यक्ति से कितना सामान खरीदा, हमारे पास कितनी संपत्ति है, हमने कितने व्यक्तियों से पैसे उधार ले रखे हैं, ताकि इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करें। फाइनली क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ ईयर हमें ये जानना होता है कि हमें क्या परिणाम मिला है, मतलब हमें लाभ हुआ या हमें हानि हुई, इस लाभ हानि का हमारी वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इस सूचना को हम उन पक्षों तक कैसे पहुंचाएं जो पक्ष हमारे संस्था में हित रखते हैं, उस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग। फिर बात करते हैं अकाउंट। अकाउंट कुछ नहीं होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम एक ही नेचर के ट्रांजेक्शंस को एक पीरियड के एंड में रिकॉर्ड करते हैं या ट्रांसफर करते हैं वहां से जहां उनको ओरिजिनली रिकॉर्ड किया जाए। बेटे, क्या होता है, देखो आप लोगों ने देखा होगा, जब भी किसी आप शॉप के अंदर जाते हो या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हो, तो वहां एक रेड कलर की नोटबुक होती है, थिक सी नोटबुक, जिसके अंदर वो जो भी आर्थिक लेन देन करते हैं ना, उसके अंदर वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड जो वो स्वयं डिसाइड करते हैं, उसमें क्या करते हैं, वो सभी ट्रांजेक्शन जो किसी एक व्यक्ति से या किसी एक प्रकृति से संबंधित है, उनको एक सेपरेट पेज पर लिख लेते हैं। ये जो सेपरेट पेज होता है ना, इस पेज के फॉर्मेट को ही हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। हम इस पेज को टू इक्वल हाफ डिवाइड करते हैं बच्चों, ये हमने
पेज को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर लिया, जो हमारी लेफ्ट साइड है इसको हम बोलते हैं डेबिट साइड, जो हमारी राइट साइड है इसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। एट दिस स्टेज आपको केवल ये नाम ही याद करना है, डेबिट और क्रेडिट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। फिर ये जो टू इक्वल हाफ है ना, इनको हम सब इक्वल अन हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। भाई जो लेफ्ट साइड का हमारा कॉलम रहेगा वो थोड़ा सा वाइड रहेगा, जो लेफ्ट साइड का कॉलम रहेगा, राइट साइड का कॉलम रहेगा वो थोड़ा सा नैरो, ऐसे ही हम राइट साइड में करने वाले। फिर हम क्या करेंगे, एक रो क्रिएट करेंगे, टॉप मोस्ट रो, इसमें फर्स्ट कॉलम में लिखने वाले हैं पर्टिकुलर और सेकेंड कॉलम में लिखेंगे अमाउंट, ऐसे ही राइट हाफ में पर्टिकुलर एंड अमाउंट। पर्टिकुलर का मतलब होता है वो ट्रांजेक्शन जो हमने की है, ठीक है, और अमाउंट का मतलब उस ट्रांजेक्शन की राशि। इस फॉर्मेट को ही जिसके अंदर हम क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं इज कॉल्ड अकाउंट। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नीड्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो हम जो अकाउंटिंग कार्य करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई, समराइज किया, उसका निष्कर्ष निकाला, किस लिए बेटे, क्योंकि जब भी हम कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं ना, उसमें बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है और पैसा किसी भी देश के पास सीमित मात्रा में होता है। आप प्रयास भी करेंगे, अगर आपको उस प्रयास का उचित परिणाम नहीं मिलता तो आप ऐसे व्यवसाय में नहीं रहेंगे, आप किसी दूसरे व्यवसाय को आरंभ करने का सोच सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, एट द एंड ऑफ ईयर हर एक व्यवसाय क्या चाहता है, उसको परिणाम का पता लगे, और इस परिणाम का पता और सही पता कब लग सकता है, जब हम एक साइंटिफिक मैनर से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, उस पद्धति का पालन करते हुए जिसको हमारे देश की सरकार प्रमाणित करती है, अपने सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को तैयार करें। फिर जो हमारा रिजल्ट हमें मिलेगा, अगर लॉस हुआ है तो हमें टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो टैक्स अथॉरिटी उस प्रॉफिट में से एक टैक्स शेयर को क्लेम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स इन केस ऑफ बिजनेस एंटिटीज। ठीक है, व्यक्ति तो इनकम टैक्स पे करता है, लेकिन संस्थाएं जो इनकम टैक्स पे करते हैं उसको बोला जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। तो जो टैक्स अथॉरिटी वो भी ये चाहती है कि हमने कर की गणना कैसे की है, क्या वो कर की राशि सही है या सही नहीं है, ये कैलकुलेट करना टैक्सेबल इनकम भी हमारा उद्देश्य होता है अकाउंट को तैयार करने का। फिर जो हमारा रिजल्ट बचा, जो हमारा रेस्ट्यू प्रॉफिट बचा टैक्स की पेमेंट करने के बाद, उसका हमारी वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हमारी संपत्ति बढ़ जाएगी या हमारी संपत्ति कम हो जाएगी। लॉस है तो डेफिनेटली कम हो जाएगी, प्रॉफिट है तो डेफिनेटली वो बढ़ जाएगी। फाइनली हमें यह भी सुनिश्चित करना पड़ता है कि जो भी हमारी व्यवसाय के अंदर संपत्ति है, उन संपत्तियों का भी एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तैयार किया जाए, ताकि वो संपत्तियां मिसप्लेस ना हो जाएं, कोई उनका मिसयूटिलाइजेशन ना करे, या अगर हमें किसी संपत्ति को बेचना है तो हम उस रिकॉर्ड के आधार पर ये मेंटेन कर सकें, एस्टैब्लिश कर सकें कि उस संपत्ति का आज बाजार मूल्य क्या होगा। दैट इज द सेकेंड नीड ऑफ अकाउंटिंग। फाइनली वो सभी पक्ष जिनका हित हमारी संस्था में है, उनको हमें पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी हमें अकाउंट मेंटेन करने के लिए विवश करता है। फिर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग विद अकाउंटिंग एज एन आर्ट एंड साइंस। बेटे अकाउंटिंग को मॉडर्न टाइम्स में आर्ट भी माना जाता है और साइंस भी माना जाता है। आर्ट का मतलब क्या होता है, पर्सनल एबिलिटी ऑफ ए मैन टू परफॉर्म एन एक्ट इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। किसी व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत कौशल किसी कार्य को अच्छी प्रकार से करना आर्ट कहलाता है, जबकि साइंस से अभिप्राय क्या होता है, एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसके पास स्वयं के सिद्धांत होते हैं, जिसके पास स्वयं की प्रक्रियाएं होती हैं, ऐसे ज्ञान भंडार को, ऐसी पुस्तक को हम क्या बोलते हैं, एक साइंस बोलते हैं, जो मार्गदर्शन करती है उन व्यक्तियों का जो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो यहां जो हमारी अकाउंटिंग है ना, वो आर्ट भी है। आर्ट कैसे है, जैसे जो खाते हैं उन खातों का जो निष्कर्ष है वो हर एक अकाउंटेंट के द्वारा अपनी समझ के आधार पर, अपनी अनुभव के आधार पर निकाला जाता है, लेकिन जो प्रोसेस है उसके लिए आज हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है, कंट्री स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हमारे पास, जिसको FIRS बोलते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो अकाउंटिंग को हम साइंस भी बोलेंगे और आर्ट भी बोलेंगे मॉडर्न टाइम्स में। फिर बात करते हैं रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। देखो एक बिजनेस संस्था के अंदर बहुत सारी घटनाएं होती हैं हर रोज, जैसे हमारी संस्था के सीईओ ने रेजिग्नेशन दे दिया, तो इस रेजिग्नेशन को क्या हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कब तक नहीं कर सकते, जब तक इसके इम्पैक्ट को हम पैसे की भाषा में या कितने अमाउंट का हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको हम डिटरमाइन ना कर पाए। हमारी संस्था में एक्सीडेंट हो गया, कर्मचारियों में झगड़ा हो गया, स्ट्राइक्स हो गए, लॉकआउट हो गए, या प्रोडक्ट के खिलाफ मीडिया में नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, तो क्या उस घटना को क्या हम पैसे के टर्म में एक्जैक्टली डिफाइन कर पाएंगे, कोई प्रूफ है हमारे पास कितना लॉस हो गया हमें, नहीं है। तो ऐसी घटनाओं को हम कभी भी अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमने 200 एकड़ जमीन खरीदी है नई फैक्ट्री के लिए तो हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास
परचेज डीड मिलेगी, हमारे पास एक एग्रीमेंट मिलेगा जिसके अंदर ये पता मिलेगा कि हमने कितने रुपए की वो जमीन खरीदी है। वी हैव हायर 200 न्यू एम्प्लॉइज, 200 कर्मचारियों का हमने भर्ती की है, रिक्रूटमेंट की है, तो इसका भी हमारे पास कोई ना कोई इफेक्ट मिलेगा, उनके साथ एग्रीमेंट किया मिलेगा, इस आधार पर हम उसको वित्तीय ट्रांजेक्शन मान सकते हैं। हमने 2 लाख करोड़ रुपए की सेल्स कर दी तो उसको भी हम 2 बिलियन को पैसे की भाषा में परिभाषित कर सकते हैं। फिर आता है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, अकाउंट में ट्रांजैक्शन को केवल पैसे की भाषा में ही लिखा जाता है। जैसे मैंने 200 एकड़ जमीन खरीदी, 200 एकड़ जमीन नहीं लिखी जाएगी बल्कि उस 200 एकड़ जमीन की जो वैल्यू है वो लिखी जाएगी, अमाउंट कितना है, 200 कर्मचारियों को हायर किया, उन 200 कर्मचारियों की जो सैलरी है ना, जो एक्सपेक्टेड रेम्यूनरेशन है वो लिखा जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने प्रोडक्शन किया 80,000 रुपए का तो प्रोडक्शन की क्वांटिटी नहीं उसका प्राइस लिखा जाएगा, सेल्स किया 2 लाख करोड़ का तो वो 2 लाख करोड़ रुपए लिखा जाएगा, कितनी क्वांटिटी मैंने गुड्स की सेल की वो नहीं लिखी जाएगी। फिर बात करते हैं क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है बेटे, एक स्पेसिफिक पीरियड के एंड में हम क्या करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि किस व्यक्ति से कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने देने हैं, हमारी कितनी संपत्ति है, कितना दायित्व है, ये असर्टेन करते हैं हर एक हफ्ते में या हर एक महीने में, ताकि हम अपने उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग कर पाए, अपनी संपत्तियों को सुरक्षित कर पाए और अपने पैसे के नुकसान को बचा पाए, जो मिस्टेक होती है उनको हम नेक्स्ट पीरियड में ना रिपीट करें इसका ध्यान हम रख पाए। फिर समराइज करते हैं, समराइज का मतलब वर्ष के अंत में अंतिम खाते तैयार करना ताकि लाभ हानि का पता चले, टैक्स लायबिलिटी का पता चले हमें, ताकि हमें फाइनेंशियल पोजीशन में होने वाले चेंज का पता चले, हम उन व्यक्तियों तक सूचनाएं पहुंचा पाए जो व्यक्ति हमारी संस्था में हित रखते हैं। फिर फाइनली आ जाते हैं इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, उस अकाउंट का जो अकाउंट हमने तैयार किए हैं उनका निष्कर्ष निकालना अपने ज्ञान के आधार पर और उन व्यक्तियों तक पहुंचाना इज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। हमारे पास यहाँ 5 कैरेक्टरिस्टिक है, आर्ट एंड साइंस दोनों चीजें हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, केवल उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिसका नेचर फाइनेंशियल होता है, मतलब जिसके अंदर पैसे का लेन देन हुआ हो। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे की भाषा में ही अकाउंट में किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, क्वांटिटी की भाषा में नहीं किया जाएगा। क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन, पीरियोडिकली हम क्लासिफिकेशन करते रहते हैं हर एक ट्रांजेक्शन को, उसकी प्रकृति के खाते में ट्रांसफर करते हैं ताकि ये पता चले कि उस नेचर के ट्रांजेक्शन का हमारा पीरियोडिक रिजल्ट क्या है, ताकि हम संसाधनों के ऊपर अच्छा नियंत्रण बना के रख सकें और एट द एंड ऑफ ईयर अंतिम खाते तैयार करें जिससे हमें लाभ हानि का या वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का पता चल जाए। फाइनली उस इन्फॉर्मेशन को हम ऐसे प्रारूप में प्रेजेंट करें जिस प्रारूप में कोई व्यक्ति जिसको अकाउंट की नॉलेज नहीं है वो भी उसको समझकर अपना निर्णय ले पाए आने वाले समय के लिए। Thank you very much. This is all about meaning, definition and characteristics of accounting. In our next lecture, we'll be discussing about functions and objectives of accounting. Till then, have a good time. Goodbye. If you like this video, then share, comment and subscribe our channel. Thank you very much.